Hey everyone, by God's grace, I hope you all are safe and fine. Well again, you all are warm welcome to online Pathshala English Spices. Thumbnail से ही आप लोग को पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ difference between during and while. And इसके uses देखेंगे through examples. क्योंकि during and while, actually we are often confused कि during कहाँ use करना है और while कहाँ use करना है. सो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं हमारे. सो इंतजार किस बात का, लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए जानते हैं कि ड्यूरिंग और वाइल क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका यूजेस कहाँ है थ्रू एग्जांपल्स. लेट्स गेट स्टार्टेड. ड्यूरिंग एंड वाइल, इन दोनों का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हो रहा है या फिर हो चुका है. दैट इज़ हैपनिंग और हैपेंड. ये दोनों ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, बट अकॉर्डिंग टू ग्रामर दे आर क्वाइट डिफरेंट. अगर आप ग्रामर पैटर्न से देखोगे तो दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं. ड्यूरिंग एंड वाइल, चलिए साथ में ड्यूरिंग और वाइल को समझते हैं एंड एग्जांपल्स के थ्रू अपने टॉपिक को और इजी बनाते हैं. हाँ, एक चीज और, लास्ट में और भी एग्जांपल्स के साथ, ढेर सारे एग्जांपल के साथ इस टॉपिक को हम फिनिश करेंगे. सो लास्ट तक कीप इन टच विद अस. आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग और वाइल से रिलेटेड. सो पॉइंट फर्स्ट हमारा क्या है, पॉइंट फर्स्ट ये कह रहा है कि ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है और वाइल एक कंजंक्शन है. चलो फिर से हम पढ़ते हैं. पॉइंट फर्स्ट ये हमारा कि ड्यूरिंग एक प्रेपोजिशन है और वाइल क्या हमारा एक कंजंक्शन है. एक्चुअली मैंने पहले ही मेंशन किया था कि दे अकॉर्डिंग टू ग्रामर दे आर क्वाइट डिफरेंट. सो ड्यूरिंग क्या हमारा एक प्रेपोजिशन है और वाइल क्या हमारा एक कंजंक्शन है. पॉइंट टू ये है कि पॉइंट टू, यस आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट टू. पॉइंट टू ये है कि ड्यूरिंग नाउन के साथ यूज होता है और वाइल वर्ब के साथ यूज होता है. चलो भाई, यहाँ से सबसे बड़ा पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर हो गया कि ये कि ड्यूरिंग नाउन के साथ यूज होता है और वाइल वर्ब के साथ यूज होता है. अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ड्यूरिंग नाउन के साथ और वाइल वर्ब के साथ. चलिए स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के हेल्प से अपना डाउट क्लियर करते हैं और सब कुछ क्लियर करते हैं. फर्स्ट हमारा ड्यूरिंग और वाइल. चलिए, ड्यूरिंग और वाइल, इन दोनों का मीनिंग होता है के दौरान या फिर के समय. के दौरान या फिर के समय, इन दोनों का मीनिंग है. सबसे पहले हम ड्यूरिंग का यूज़ देखते हैं. जैसे ड्यूरिंग ऑलरेडी मैंने मेंशन किया पॉइंट टू में कि नाउन के साथ यूज़ होता है, तो इसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, ड्यूरिंग प्लस नाउन. अब नाउन में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं आपको, ठीक है. यहाँ पे वर्ब का कोई रोल नहीं रहेगा, सिर्फ बात किसकी होगी, नाउन की होगी, ड्यूरिंग प्लस नाउन. जैसे ड्यूरिंग मीटिंग, मीटिंग के दौरान. ड्यूरिंग क्लास, क्लास के दौरान. ड्यूरिंग रेन, बारिश के दौरान या बारिश के समय. तो यहाँ पे क्या हो रही है, बात नाउन की बात हो रही है, काम की बात नहीं हो रही. किसकी बात हो रही है, काउन. मीटिंग के दौरान, ड्यूरिंग मीटिंग, क्लास के दौरान, ड्यूरिंग क्लास, बारिश के दौरान, ड्यूरिंग रेन. अब आप इन सबको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, ही कॉल्ड मी ड्यूरिंग मीटिंग. ही कॉल्ड मी ड्यूरिंग मीटिंग, उसने मुझे मीटिंग के दौरान कॉल किया. सेकेंड एग्जाम्पल, दे स्टार्ट ए फाइटिंग ड्यूरिंग क्लास. वे लोग क्लास के दौरान लड़ाई करना चालू कर दिए या फिर शुरू कर दिए. मतलब ड्यूरिंग क्लास, मतलब क्लास के दौरान. थर्ड एग्जाम्पल है हमारे पास, ही मेड अस ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग रेन. ही मेड अस ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग रेन. ड्यूरिंग रेन मतलब बारिश के दौरान. वह हम लोग को बारिश के दौरान पानी पिलाया. ही मेड अस ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग रेन. यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ड्यूरिंग का. सो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा टॉपिक है वाइल. ड्यूरिंग का तो पूरा मामला ख़त्म, ठीक है. अब आगे देखते हैं वाइल क्या है, वाइल का स्ट्रक्चर क्या है, इसका यूज़ क्या है. सो सबसे पहले हम देखते हैं वाइल का स्ट्रक्चर. वाइल का स्ट्रक्चर है हम लोग का वाइल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, वाइल प्लस जीरंड प्लस ऑब्जेक्ट. जीरंड, जीरंड क्या होता है, चलिए इसी टॉपिक में कुछ नया भी सीखने को मिल रहा है. सो जीरंड, व्हाट इज जीरंड. अ जीरंड इज अ वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म लाइक डांसिंग, रनिंग, टीचिंग. एक जीरंड क्या होता है, एक वर्ब होता है. किस फॉर्म में होता है, आईएनजी फॉर्म में होता है. आईएनजी फॉर्म में जब बोले तो डांसिंग, सिंगिंग, रनिंग, अब्यूजिंग, कुछ भी, ठीक है. और एक पॉइंट जो कि वाइल का मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ, वो पॉइंट्स में क्या कि जो वाइल होता है हमारा वो वर्ब के साथ ही यूज होता है. क्योंकि जो ड्यूरिंग था हमारा वो किसके साथ यूज हो रहा था, वो नाउन के साथ यूज हो रहा था. उसी तरह से हमारा वाइल क्या है, हमारा किसके साथ होगा, यूज वर्ब के साथ यूज होगा. वर्ब बोले तो एक्शन, एक्शन बोले तो काम,
जैसे कोई काम के दौरान, जहां कोई एक्शन की बात आएगी। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने यूज देखते हैं व्हाइल का, एग्जांपल के थ्रू और स्ट्रक्चर के थ्रू। व्हाइल जब आप ये एक्सप्रेस करते हो कि किसी एक्शन के दौरान, किसी एक्शन के दौरान जैसे खाते समय, जाते समय, आते समय, व्हाइल ईटिंग, व्हाइल गोइंग, व्हाइल कमिंग, तो यहाँ पे हम व्हाइल का यूज करते हैं। चलिए ये तो नॉर्मल चीज़ें होगी, अब इससे हम और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में जैसे वी शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग, वी शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग, हमें खाते समय बात नहीं करना चाहिए, खाने के दौरान या खाते समय। अब खाना क्या है, हमारा वर्ब है, इसलिए मैं बोला हूँ व्हाइल किसके साथ यूज होगा, वर्ब के साथ। खाते समय व्हाइल ईटिंग, हमें खाते समय बात नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट टॉक व्हाइल ईटिंग। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास, वी शुड माइंड आवर स्टेप्स व्हाइल गोइंग, व्हाइल गोइंग मतलब जाते समय या जाते दौरान हमें अपने कदमों पर ध्यान देना चाहिए, वी शुड माइंड आवर स्टेप्स। ठीक है, नाउ यू कैन क्रिएट सम मोर एग्जाम्पल विद द यूज ऑफ ड्यूरिंग एंड व्हाइल, बट हियर सम टास्क इज वेटिंग फॉर यू। बिना टास्क के यहाँ से मत स्किप कीजिएगा वीडियो को, सो कंप्लीट द टास्क, शेयर इट इन आवर कमेंट बॉक्स। Bye-bye.